अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज बनाने वाला हूँ मैं एक सैंडविच, क्योंकि कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ घर में तो मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ अपने लिए। तो अभी फ्रिज की तरफ चलते हैं और फ्रिज से अंडा, ब्रेड और कैचअप और मायनेज और जो भी हमारे सैंडविच में डलेगा हम वो निकालेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये हम लोगों ने ले लेना है स्लाइस केचप और अंडा, और ये थोड़े से रखे हुए तिल मैंने, ये डालेंगे अपने एग सैंडविच में। और अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ। और तो फ्रेंड्स, ये सारा सामान मेरे पास रेडी है और अभी करता हूँ मैं अपना चूल्हा ऑन, और हल्की आंच पे चूल्हा ऑन करूँगा। और पहले करूंगा स्लाइस को हल्का सा गरम, हल्का सा तेल डालूंगा इसलिए कि स्लाइस थोड़े से कड़क हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। अब पहले रखेंगे दो स्लाइस, इनको हल्का हल्का कर लेंगे हम गरम। ये देख सकते हैं कि आप, ये इसकी सरफेस जो है ब्राउन ब्राउन लाइट ब्राउनिश हो गई है। तो ये सही हो गया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये भी थोड़ा सा कड़क हो गया, तो अब मैं इसको उतार लूंगा और यहाँ रख देंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा पकवान तेल, ऑयल डालेंगे और बनाएंगे अंडा। थोड़ा सा असली भी नमक डाल लूंगा कि अंडा चिपके ना, थोड़ा सा नमक डाल लेता हूँ कि अंडा हमारा चिपके ना जल्दी।
नमक से ये होता है कि अंडा नीचे पकता भी नहीं। तो अब गाइस करेंगे हम लोग, डालेंगे इसमें अंडा तोड़ के। थोड़े समय ये डाल दूंगा अंडे के ऊपर तेल, ये तेल डाल दूंगा अंडे की क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं। तो भाई अंडा हो गया हमारा रेडी, अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये अंडे को उतार के रखते हैं साइड पे। चूल्हे को यहाँ से हटा देते हैं। अभी करते हैं अपना काम स्टार्ट। ये आ गया हमारा अंडा। तो ये आ गया, ये आ गई हमारी केचप। ये आ गई माइनस, माइनस भी थोड़ा डाल देंगे क्योंकि मैं मुझे अच्छी लगती है।
और ये आ गया गाइस हमारा अंडा, इसके ऊपर ये इसको साइड पे रख देते हैं फ्राई पैन को। ये आ गया हमारा सैंडविच, केचप थोड़ा और डालते हैं। माइनस भी थोड़ा सा और ऐड करते हैं। थोड़े से तिल ऐड करते हैं ऊपर। तो गाइस ये हमारा हो गया एग सैंडविच रेडी। अब इसको मैं आपको काट के दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग रिजल्ट के कितना अच्छा बना है एक सैंडविच। तो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो को लाइक करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का और कमेंट करने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।